नमस्ते। बहुत अच्छा लगता है बार बार आप लोगों के बीच में आना। पिछली बार आए थे तो आपने बड़ा आदर मान सम्मान दिया था, सर पे बिठाया, हमारे कहने से रोज भी दी, तो एक बार आप लोग अपने लिए तालियां बजा दीजिए। और उसके लिए मैं अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली बोलूंगी कि मुझे आप लोगों को दोबारा शुक्रिया अदा करने का मौका मिला। तो आप सभी का तहे दिल से पहले तो बहुत 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 शुक्रिया। और अजय जी के बारे में तो वैसे कहा करते हैं, मैंने जहां तक देखा है कि बीजेपी ने चुन चुन के कैंडिडेट दिए हैं आपके पास, तो अजय जी की तारीफ में जितना हम बोलेंगे उतना ही कम है। आप लोगों के बीच के हैं तो आप लोगों को ज़्यादा पता है, बहुत काम किए हैं, आगे कराने हैं, तो प्लीज़ आप लोगों को वोट्स देने हैं। देंगे या नहीं देंगे? पिछली बार की तरह भर भर के वोट देंगे नहीं देंगे? बस आपने हाँ कर दी, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ज्यादा बोलेंगे तो आप ही ये सोचेंगे कि सर दर्द कर दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, और हमारी इतने दिल से आप लोगों से दरख्वास्त है कि अजय जी को वोट दीजिए, सपोर्ट कीजिए और उनको विजय बनाइए। मुझे बोल रहे कि 9 मिनट और बोल दो। तो और क्या बोलूं, छोटे से छोटे छोटे मुद्दे हैं। अगर आप लोग वोट देंगे तो सरकार बनेगी, सरकार बनेगी तो और स्ट्रॉन्ग होगी दिल्ली, क्योंकि अब तक हमारे जो सीएम हैं वो केजरीवाल जी हैं। अगर चेंज होते हैं तो मेरे ख्याल से जिन चीज़ों में अभी दिल्ली पीछे है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें दिल्ली आगे आएगी, और दिल्ली आगे आएगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी, आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और मेरे ख्याल से जितना हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे उतना अच्छा है। और सेंट्रल है दिल्ली हमारी, तो अच्छी बात ये है कि एक एक वोट, आप लोगों का सपोर्ट अभी बहुत ज़रूरी है। एक वोट की कीमत ये सिर्फ आप लोग जानते हैं या हम लोग जानते हैं, एक भी वोट व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कमल का बटन दबाइए और अजय जी को विजय बनाइए। एक नंबर पे है बटन, जिस जिसको नहीं पता हो, एक नंबर पे बटन है। वैसे कमल का फूल खिला जहाँ दिख जाए वही दबा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो मुझे जहाँ झंडा दिखता है, जहाँ कमल दिखता है, कोई अगर गले में पहने दिखता है तो मैं सोचती हूँ अपना आदमी है यार, अपना आदमी है। तो अभी फील दूसरी आने लग गई है। तो एक नंबर पे है, वैसे भी एक नंबर पे। तो कमल का बटन दबाइए और किसको विजय बनाना है? बस किसको? वैसे एक ही बात है, अजय जी को बनाएंगे, मोदी जी को बनाएंगे, तो दो ही बात है। जिसको चाहे वोट कर दो, चाहे मोदी को लेके वोट कर दो, चाहे अजय जी को लेके वोट कर दो, चाहे मुझे लेके वोट कर दो। और सबसे अच्छी बात है कि आप किसी को मत देखो, ना आप मुझे देखो, ना आप अजय जी को देखो, ना आप मोदी जी को देखो। ये आपका देश है, ये आपकी नगरी है, ये वोट आपकी है, आप अपने आप को देखो और कमल का बटन दबाओ। वाह, ये जो जोश है ना, ये वैसे हो दिल्ली वालों में ही सकता है। हाँ बिल्कुल, गोंडा विधानसभा बड़ा अच्छा लगता है दिल्ली में घूमना। ऐसा नहीं है कि प्रचार के लिए आए हैं, तू ही शो के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे नॉर्मली भी घूमते हैं और लोग मुझे देखते हैं, आप लोगों की स्माइल बहुत अच्छी है। दिल्ली वाले जब देख के हंसते हैं ना तो अलग ही निखार आ जाता है। तो हाँ, मुझे बोला गया कि 2 लाइन गा दीजिए, 2 लाइन गा देते हैं। एक गाना बड़ा चल रहा है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा अच्छा प्यार दे रहे हैं आप उस गानों को। चुंदड़ी जयपुर तक मंगवाई रही सोने की घड़ी।
हलवा गरम कंठी गिर के ने टोकरी चांदी की आठाई रूप कति निखरा पाट राज करा बहु कई मान गी काली दामन विच तेरे जुती बढ़ के देखो चीज कसूती या गजबण पानी में चाली या गजबण पानी में चाली या गजबण पानी में चाली गजबण पानी में चाली। इसके लिए भी धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। गाना आपका है, खूब सुनो नाचो गाओ फिर को बीजेपी को वोट दो और जब बीजेपी जीत जाए पूर्ण बहुमत से दिल्ली में फिर सीएम की सरकार बनाए विधानसभा की सरकार बनाए तो फिर इस गाने को चलाइएगा खूब डट के नाचिएगा। मैं भी आऊंगा। धन्यवाद। अब हम सब आदरणीय वर्णागन